कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म कबीर सिंह आज सिनेमा घरों में रिलीज हो गई। शाहिद के फैंस को इस फिल्म का लंबे वक्त से इंतजार था, तो आइए जान लेते हैं कैसी है फिल्म कबीर सिंह। बेख्याली में भी तेरा चैप्टर क्लोज होके भी 6 महीने हो गए, तू अभी भी प्रीति प्रीति कर रहा है। क्यों बिछड़ना है अगर उसको कुछ हुआ ना, I'll be the most fucking affected, honestly. Really love her, man. कहते हैं जब दो सच्चे प्रेमी बिछड़ते हैं तो आसमां भी रो पड़ता है। और लड़का तबाही और बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ता है। वैसा पागलपन है, देन कॉल मी, अदरवाइज यू नो मी। फिल्म कबीर सिंह बुरी नहीं है, लेकिन फिल्म अर्जुन रेड्डी का पूरा रिप ऑफ है। यहाँ तक कि डायलॉग भी एकदम सेम है। मैं तेरे क्लिनिक पे आया था ना, तो वहाँ पे एक लड़की थी। प्लीज प्लीज भाई, ये सब मत करे। मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहा है? तू कैसा छिछोरा है बे? डेली डेली नारा ढीला होता जा रहा है क्या तेरा? ये कहानी कबीर राजवीर सिंह की है, जो IIM से पढ़ाई कर रहा है और वहाँ का टॉपर स्टूडेंट है। क्या कर रही है? आज कौन सा लेक्चर है? साथ ही कॉलेज के फुटबॉल टीम का कप्तान भी है, लेकिन कबीर को गुस्सा बहुत आता है। इस गुस्से को लेके क्या करोगे तुम लाइफ में कबीर? Not a rebel without a cause, sir. फिर एक दिन कबीर को कॉलेज की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट प्रीति से प्यार हो जाता है, लेकिन बाद में ये दोनों अलग हो जाते हैं और यहीं से शुरू होता है कबीर का बर्बादी के रास्ते पर चलने का सिलसिला। तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ प्रीति, अगर तुझमें ही मेरे लिए वैसा पागलपन है, then call me, otherwise you know me. कबीर पूरी तरह से नशे में डूब जाता है, ड्रग्स लेता है और हॉस्पिटल में बतौर सर्जन काम भी कर रहा है। तेरे बारे में बहुत से देख यार, मैं तेरे को लेने नहीं आऊंगा। प्रीति उसके दिमाग से जाती नहीं है और किसी और के बारे में सोचना को आता नहीं है। ये सब चलता रहा तो भूल जाएगा क्या उसको? नाम क्या है? प्रीति। प्रीति कोई ऐसी वैसी डिग्री नहीं है, दिस इज MBBS। वहाँ पीछे बैठ के क्या कर रही हो? आज कौन सा लेक्चर है? Anatomy. इस फिल्म में शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की केमिस्ट्री बेहद शानदार है। परफॉर्मेंस की बात करें तो शाहिद कपूर कबीर सिंह के किरदार में जबरदस्त हैं। दारू पिएगा मर जाएगा, मेरा घर है, मैं जो करूंगा। प्रीति के रोल में कियारा आडवाणी बेहद अच्छी लगी हैं। अगर आप रोमांटिक मूवीज के शौकीन हैं तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। हम इस फिल्म को देते हैं 3.5 स्टार। जो तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, तेरा गुरूर हूँ। तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूँ। और एक बार फिर आपको संबल की खबर बताने जा रहे हैं, जहां